करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में मर्डर की खबर है। दिल्ली के आर्यभट्ट कॉलेज में चाकूबाजी हुई है। आर्यभट्ट कॉलेज के छात्र आपस में भिड़ गए हैं। एक स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में मर्डर हुआ है। छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। दिल्ली के आर्यभट्ट कॉलेज में यह चाकूबाजी हुई है। आर्यभट्ट कॉलेज में छात्र आपस में भिड़ गए और पुलिस मामले की जांच में लगी। दिल्ली से मोहम्मद अफसर की यह रिपोर्ट देखते पौश इलाके साउथ कैंपस में छात्रों की आपसी लड़ाई में 19 साल के निखिल चौहान की मौत हो गई। निखिल के दोस्तों ने ही चाकुओं से गोद कर निखिल की हत्या कर दी। बात रविवार दोपहर की है, ठीक साउथ कैंपस के इसी आर्यभट्ट कॉलेज के गेट पर। कहा जाता है कि पिछले हफ्ते भी रविवार के दिन ही निखिल की अपने दोस्तों से लड़ाई हुई थी उसके गर्लफ्रेंड के इशू पर। जैसा निखिल के दोस्त बताते हैं कि निखिल की गर्लफ्रेंड को उसके दोस्तों ने छेड़ा था और उसके बाद निखिल से उसकी लड़ाई हुई थी और आज निखिल की जान ले ली उसी के दोस्तों ने। जैसे ही दोपहर 12:30 बजे क्लास के बाद निखिल कॉलेज से बाहर आया, निखिल के दोस्तों ने उसे घेर लिया और उसकी गर्लफ्रेंड के सामने ही ताबड़तोड़ 3 चाकू उसके शरीर पर मारे, जिससे मौके पर ही ठीक इस कॉलेज के गेट पर ही निखिल की मौत हो गई। तुरंत उसे यहां से चरक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें ब्राउड डेड डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद पहचान हो गई है कि उसके किस दोस्त ने चाकू मारी थी। पुलिस अभी उसकी तलाश कर रही है क्योंकि वो फरार है, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि आज रात में ही उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मोहम्मद अफसर इस वक्त हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, क्या आपस में मतलब किस तरीके से जो है बात इतनी बढ़ गई कि चाकूबाजी तक होगी और एक छात्र की हत्या तक की नौबत आ गई? बिल्कुल सचिन, और सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई पिछले हफ्ते की है, क्योंकि हर संडे को यहाँ पे क्लासेस होते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का, और जो स्टूडेंट्स हैं ये बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के हैं। तो जब लास्ट संडे को क्लासेस शुरू हुए थे तो उसी वक्त गर्लफ्रेंड के इशू पर लड़ाई शुरू हुई थी, और जिन स्टूडेंट से लड़ाई हुई थी इस लड़के की, उन्हीं लोगों ने आज पूरी तैयारी की हुई थी, चाकू लेकर के आए थे, और जैसे ही बाहर निकले, दोपहर तकरीबन 12:30 से 1 बजे के बीच का वक्त होगा, तो जैसे ही स्टूडेंट्स बाहर निकले तुरंत ही उस छात्र को पकड़ा और चाकू से गोद दिया और वहीं मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि तुरंत उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड ने और दूसरे दोस्तों ने उसे पास के चरक हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन तुरंत डॉक्टर्स ने वहीं पे कह दिया कि ये ब्राउड डेड है, पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। पुलिस तुरंत आई, पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की, और जैसा पूछताछ उनके दोस्तों से हुई तो शिनाख्त तुरंत हो गई कि हत्या किसने की है। पुलिस ने अभी तक नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा है कि आज रात तक गिरफ्तारी जरूर हो जाएगी। और जिसकी हत्या हुई है उससे क्या रंजिश हुई थी, क्या लड़ाई हुई थी, और आज जो है जो दूसरे छात्र थे उनका क्या प्रोफाइल था, इस छात्र का क्या प्रोफाइल था? दोनों छात्र, क्योंकि जिसने मर्डर किया है और जिसका मर्डर हुआ है, दोनों छात्र बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, और दोनों हर संडे को क्लासेस यहाँ पे होती है, क्योंकि वो ओपन लर्निंग स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट थे, वो कॉरेस्पोंडेंस से पढ़ाई करते थे, तो हर संडे को यहाँ पे क्लासेस होते थे, उनके स्पेशल क्लासेस थे। तो लास्ट संडे को जब क्लासेस के लिए आए थे तो लड़की के मामले पर ही दोनों की बहस हुई थी। तो जब पिछली बार सिर्फ बहस हुई थी, बहस के बाद दोनों के दोस्तों ने दोनों को अलग करा दिया, लेकिन आज जिसको कहे कि पिछले हफ्ते का गुस्सा लेकर के दूसरा स्टूडेंट आया था और वो पूरी तैयारी के साथ आया था, वो चाकू अपने साथ लेकर के आया था। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफसर फिलहाल इस बातचीत के लिए।